Family. There he goes again. That's it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है। आज की वीडियोस ऑब्वियसली या तो पाकिस्तानी टीम की थी या फिर अब आईपीएल की हैं। आईपीएल की आज ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ है, ऑक्शन थी आज जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स बिके हैं, जैसे कि हमने अभी आपको पहले वीडियो में बताया है कि कौन कौन सा रिकॉर्ड टूटे। पहले पैट कमिंस ने सबसे महंगे प्लेयर का रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद उसी रिकॉर्ड को जो है मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया। तो इस तरह करके काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, कई प्लेयर अनसोल्ड चले गए और कई इतनी प्राइसेस ऐसी प्राइस पे सोल्ड हो गए कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। सॉरी। अच्छा खैर, सबसे पहले हम लोग 5 प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस आईपीएल सीजन में सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं, यानी कि आईपीएल 2024 के अंदर जो ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं। इसमें सबसे पहले Obviously, मिचेल स्टार्क आएंगे, 24.75 करोड़ में इनको खरीदा गया है और कलकत्ता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। सबको पिछाड़ते हुए उन्होंने इनकी बिड की है और किसी सूरत वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो इस मिशन पे आए थे कि उन्हें मिचेल स्टार्क चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, और खैर उन्होंने ले लिया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं एक और ऑस्ट्रेलियन बॉलर और ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन भी हैं इस टाइम, पैट कमिंस। पैट कमिंस को जो है सनराइजर्स ने लिया और उन्होंने 20.5 करोड़ में लिया, जो कि सेकंड नंबर पे आए हैं इस सीजन के ड्राफ्ट के अंदर, और वो भी सबका मुकाबला करते हुए। पैट कमिंस जो है पहले सेल आउट हो गए थे मिचेल स्टार्क से, इसलिए वो मुकाबला करते हुए वहां तक आए और उन्होंने उसको फाइनली खरीद लिया, और मोस्ट प्रोबेबली पैट कमिंस को वो शायद कैप्टन भी अनाउंस कर दें। ये तो अब आगे चल के देखते हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे, जो सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं वो हैं डैरल मिचेल, न्यूजीलैंड के प्लेयर, वर्ल्ड कप में ओडीआई के अभी आपने देखा होगा बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे और टी20 के अंदर भी इनका कोई सानी नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको 14 करोड़ रुपए में खरीदा है और कीमत के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आते हैं इस ड्राफ्ट के अंदर आईपीएल के। चौथे नंबर पे सरप्राइजिंगली इंडियन प्लेयर हैं और जो कि इतना बड़ा अभी नाम नहीं है, लेकिन खैर 11.75 करोड़ में वो बिके हैं, हर्षल पटेल। और हर्षल पटेल को पंजाब ने जो खरीदा है और उसने किसी की बात जिसे कहते हैं ना सुनी नहीं है, विदाउट एनी वो मसले के वो गया है और सीधा उसने बिड पे बिड की है कि हमें हर कीमत पे हर्षल पटेल चाहिए। वो इस नियत से आए थे कि उन्होंने हर्षल पटेल को लेके जाना है। और फिफ्थ नंबर पे लास्ट पे जो आए हैं वो वेस्ट इंडीज के बॉलर हैं अल्जारी जोसेफ, जिन्हें बेंगलोर ने खरीदा है और 11.5 करोड़ में खरीदा है। यूं इस तरह आईपीएल के ये 5 प्लेयर्स हैं जो कि हाईएस्ट बिड के साथ सेल आउट हुए हैं और बाकी सब टीमों को इन्होंने पिछाड़ा है। कोई भी टीम इसमें रिपीट नहीं हुई, क्योंकि जितना एक हमने पहले डिस्कस किया था कि इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ मनी, उसमें ये इनमें से एक ही खरीद सकते थे, क्योंकि अब वो ये तो नहीं है कि यार पैसा जेब में है उतने बजाई जाओ और करते जाओ, एक वो ब्रैकेट है उसके अंदर रहना स्क्वाड रिटेंशन के हिसाब से। तो इस तरह ये 5 प्लेयर्स जो बने हैं ओवरऑल, तो उनकी ये वाली लिस्ट बनती है कि अर्निंग के हिसाब से या बिडिंग के हिसाब से आप इसको कह सकते हैं टॉप 5 प्लेयर्स ये थे। सेकेंड नंबर पे आते हैं इंडियन प्लेयर्स, जो कि टॉप 5 इंडियन एक्सपेंसिव प्लेयर्स जो इस आईपीएल 2024 ऑक्शन के अंदर बिके हैं। पहले प्लेयर तो वही हर्षल पटेल हैं, जिनका आपको पहले भी बताया है कि पंजाब ने उनको खरीदा है 11.75 करोड़ में। ये सबसे महंगे इंडियन प्लेयर हैं जो ऑक्शन में सेल आउट हुए हैं। रिटेन प्लेयर्स इसमें शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ वो प्लेयर्स हैं जिनको ऑक्शन में जो शामिल थे, जो ऑक्शन ड्राफ्ट के अंदर थे और उनकी आज बोलियां लगाई गई है। इसमें सबसे पहले सबसे महंगे हर्षल पटेल थे। सेकंड नंबर पे समीर रिजवी आते हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है 8.40 करोड़ के अंदर। और थर्ड नंबर पे जो है शाहरुख खान है, इनको गुजरात टाइटंस ने खरीदा है, गुजरात टाइटंस ने खरीदा है और उनकी मैनेजमेंट का इसरार था कि ये प्लेयर हमें चाहिए और ये 7.4 करोड़ में इन्होंने इसको खरीदा है। फोर्थ नंबर पे कुमार आते हैं, कुमार कुशरंगा, इनको 7.20 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा है
और वो आप फिर वही चीज एक नोट कर रहे होंगे, कोई भी टीम इसके अंदर रिपीट नहीं हुई, क्योंकि अगर आपने ओवरसीज में खरीद लिया है उसके बाद फिर लोकल प्लेयर के अंदर आप एक आधा इस तरह महंगा प्लेयर ले सकते हैं, क्योंकि आपका बजट जो है 20-25 करोड़ से ज्यादा का तो बचा नहीं था। और लास्ट नंबर पे आते हैं शिवम मानी, शिवम मावी इनका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इनको लखनऊ ने खरीदा है 6.40 करोड़ के अंदर। इस तरह ये इंडियन पांच जिन्हें कह लें कि शाइनिंग स्टार्स हैं और उभरते सितारे, जिनको आप कह सकते हैं कि इतना हाई वैल्यू पे टीम्स ने खरीदा है और उन पे इन्वेस्ट किया है इस सीजन के अंदर। तो देखते हैं आईपीएल में इस साल ये लोग किस तरह परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। मुंबई इंडियन का सैगा भी चल रहा है कि हार्दिक पटेल वहां पे आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या जो है वो वहां पे आ चुके हैं, और एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस ने उनको अनाउंस कर दिया है। जबकि नेशनल टीम के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, वो भी उस टीम का हिस्सा है। काफी ज्यादा खबरें थी कि शायद वो इस ड्राफ्ट के अंदर आए और मुंबई इंडियंस को छोड़ दें, लेकिन आज के ड्राफ्ट में वो नहीं आए। तो हो सकता है कि मुंबई इंडियन के साथ कोई सेटलमेंट इनकी हो गई है, तो हार्दिक पांड्या जो है वो अब उनके कैप्टन है और रोहित शर्मा जो है वो एज अ प्लेयर जो है वो इस आईपीएल 2024 के अंदर खेलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। Emily. There he goes again.